हमारी माँ खदीजा ताजीर थे और तिजारत करते थे, और हमें क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि उनकी तिजारत में और हमारे में बहुत फ़र्क है। जब माँ खदीजा तिजारत करते थे तो वो किसी मर्द से इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। सहर मैम और सना मैम के वास्ते एक सवाल है, आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के ये इंडस्ट्री को कैसे आए, मतलब रीजन क्या है आपका? वेल आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी लोग तिजारत कर सकते हैं और जिनके पास जो भी किस्म का सोर्स है और अगर वो खुद अपना काम कुछ कर सकते तो उन्हें करना चाहिए। और जाहिर सी बात है हर इंसान हलाल कमाई का जरिया ढूंढता है, और अगर हमें वो जरिया मिल जाता है और हमें लगता है कि नहीं मैं ये सब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकती हूँ, मैं घर पे रह के काम कर सकती हूँ, अगर मैं जॉब पे जा रही हूँ या ऐसा कोई काम कर रही हूँ, मैं हिजाब कर सकती हूँ, मैं नकाब कर सकती हूँ, मुझे किससे बात करना है नहीं करना है, मेरे पास ये चॉइस है, तो आई थिंक हर किसी को करना चाहिए। तो कंसिडरिंग आज मेरे पास वो चॉइस है, अगर मुझे कोई आदमी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक जॉब पे जाऊंगी तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। तो आई थिंक इसके लिए मुझे तिजारत करना और खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद है, ताकि मैं अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकूं, और अगर आगे मुझे और चेंजेस करने हो अपनी जिंदगी में, जैसे ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं एक दिन फुल नकाबी हो जाऊं, मेरा शक्ल बिल्कुल भी दिखाई ना दे, तो भी मैं इस हया को कंटिन्यू कर सकती हूँ कि भाई अब मैंने अपना फेस कवर कर लिया है पूरी तरीके से और अब मैं बिल्कुल भी नजर नहीं आऊंगी, मेरा चेहरा कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन कंसिडरिंग ये बिजनेस मेरा है, मुझे कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। सो आई थिंक या दैट इज समथिंग विच इज देयर। हम पहले एक हराम तिजारत में थे, बिजनेस इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिजनेस, कमाना, घर चलाना, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, जो एकदम हराम कमाई थी। तो जब आप अल्लाह की राह में निकल गए हो तो ऑफकोर्स आपको एक हलाल कमाई कमानी है जो आपके शरीयत में हो, आप कुछ ऐसे गलत नहीं कर सकते, तो आपको बहुत कुछ सोचना है। एंड मेरा बिजनेस जो है वो है एक एग्जीबिशन का, जिसमें बहुत सारे लोगों को भी एक फायदा मिलता है कि लोग जो खरीदने आते हैं उनको भी डिस्काउंट मिलता है, और जो स्टॉल्स डालते हैं उनको भी एक जरिया मिलता है हमारे थ्रू कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। तो उस तरीके से मैंने सोचा कि लोगों को भी कुछ काम आओ मैं, और कुछ ऐसा करूं कि सभी का फायदा हो, हमारा भी हो उनका भी हो। तो उस तरीके से हमने कुछ ऐसा प्लान किया बैंगलोर में कि सबका फायदा हो और ऐसे एग्जीबिशंस करूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, हमारी माँ खदीजा भी एक उन्होंने ताजिर थे। तो मैम आज के डेट में वुमेन्स जो ऐसा बिजनेस करते हैं तिजारत, तो उसमें बहुत सारे लोग ट्रोल्स करते हैं, तो आप उन लोगों को कैसे डिफेंस करोगे? एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, लोग बार बार सिर्फ ये एक चीज को जहन में रखते हैं कि हमारी माँ खदीजा ताजीर थे और तिजारत करते थे, और हमें क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि उनकी तिजारत में और हमारे में बहुत फर्क है। जब माँ खदीजा तिजारत करते थे तो वो किसी मर्द से इंटरेक्शन नहीं करते थे, हम कर रहे हैं। सेकंड, उनके पास बहुत सारे मर्द थे जो काम करते थे, लेकिन वो कभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे, लेकिन हम कर रहे हैं। वो जो मैसेज देते थे कि मेरा ये काम हो जाए, जो उनकी खादमाएं होती थी, जो उनकी उनके साथ जो औरतें होती थी, वो मैसेज को आगे लेकर जाती थी और मर्दों को बताती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उनके लिए जब उनका जो बिजनेस से वो एसोसिएट थे और जो उनकी चीजें लेकर जाके वो दूसरी जगह पे उसका बिजनेस करते थे, वो भी माँ खदीजा से कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। अब हमको प्रॉब्लम यह है कि चीजें पता ही आधी है, तो हम आधी चीजों को लेकर आगे जाते, क्योंकि माँ खदीजा जैसी हया वाली औरत है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी, जितने भी हमारी अम्माएं थी, उनमें जितनी हया थी, उसका अगर 1% भी हमारे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन उठता है जो सही बात है। देखिए, मैं अपनी तिजारत करने के लिए अब मैं शरीयत बदल दूंगी, कहूंगी नहीं ये भी हो जाए, तो ये गलत बात है ना। मैं भी इसीलिए चाहूंगी कि मेरे लिए भी एक जरिया बने जहां पे मैं भी आगे जाकर कोशिश करूं कि मैं भी किसी मर्द से डायरेक्टली बात ही ना करूं, और मेरे पास लोग अंडर हो या कोई मेरे लिए काम करता हो जो मेरा मैसेज आगे लेकर जाकर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान जो तिजारत करता है अल्लाह ने उसको जरिया दिया है ना।
तो जो वो जरिया दिया तो वो दूसरी चीजों के लिए भी वो उसे यूज करे। जाहिर सी बात है, माँ खतीजा तिजारत करते थे, आप भी तिजारत करें, लेकिन अगर आप उनका एग्जाम्पल दे रहे तो फिर आप उनकी वो जैसे करते थे आप वैसे करिए। हमारे अंदर वो भी है नहीं, अल्लाह करे वो हमारे अंदर आ जाए और हम भी वो चीज को सीखे, हम भी वो चीज को समझे। और हम इस, मैं खुद भी चाहती हूँ कि कल को मेरा एग्जीबिशन हो तो मैं ओनली लेडीज रखूं, जिनके भी हस्बैंड हैं इनको पैसे दे दीजिए, कार्ड दे दीजिए और बाहर ही रुकिए, प्लीज अंदर मत आइए। तो इंशाल्लाह मैं भी चाहूंगी कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचूं और मैं इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाऊं जहां पे हर किसी की मॉडेस्टी का ख्याल हो, जहां पे हम कुछ शूट ना करें, जहां पे हम कुछ पोस्ट ना करें, हमको कुछ नहीं करना है। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये नियत है, अब यू नेवर नो, इंसान नियत करे और अल्लाह से मांगे तो यू नेवर नो किसी एक दिन कबूल हो जाए। बट देखो नियत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके दिमाग में ये चीजें आएगी तो इंशाल्लाह आप अल्लाह से मांगोगे तो एक ना एक दिन वो चीज आपके काम में भी दिखेगी। तो बस अभी फिलहाल ये सोच है, आप दुआ करें कि अल्लाह हमसे भी ऐसा काम ले। आपको बैंगलोर कैसा लगा और आपके प्रोडक्ट्स का रिस्पांस कैसे आया? वेल, बैंगलोर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शहर तो बैंगलोर की ही है, शहर की वजह से मुझे भी बैंगलोर में एग्जीबिशन करने का मौका मिला और ऑनलाइन हमारा सेल माशाल्लाह से होता है एंड बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन इन द टॉप 3 सिटीज, हैदराबाद, बैंगलोर एंड वन मोर, कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा है, बैंगलोर एंड हैदराबाद हैज ऑलवेज बीन अ टॉप सिटीज ऑफ शॉपिंग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो मुझे बैंगलोर में आना चाहती थी मैं, एंड देन फिर शहर से बात हुई, मैंने देखा शहर तो बैंगलोर में रहती है, तो जाहिर सी बात है मुझे क्राउड का अंदाजा नहीं था यहाँ पे, बिकॉज यू नो हैदराबाद में थोड़े नवाबी लोग होते हैं ना तो उनका शौक होता है, बैंगलोर में मुझे आइडिया नहीं था कि लोग पसंद करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदते हैं उनका एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, लेकिन जब आप एक एग्जीबिशन लेके ऐसे शहर में आते हो तो मेजॉरिटी का टेस्ट क्या है आपको नहीं पता। बट आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों से एग्जीबिशन में मिलने का मौका मिला। आज भी जितने लोग आए वो मेरे पहले एग्जीबिशन में भी आ चुके हैं, आज इनफैक्ट दो औरतें कश्मीर से आई है और कल एक झारखंड से आई थी फॉर दिस एग्जीबिशन टू मीट अस। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम के हमारा ब्रांड का, एंड माशाल्लाह से लोग खरीद रहे, लोग अबाया पहन रहे, इनफैक्ट यहाँ पे खरीद के यही पहन ले रहे, इतना एक्साइटेड है। तो आई थिंक ये चीज देखकर आपको बहुत मजा आता है, एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव बैंगलोर वेदर, आई लव बैंगलोर फूड and I like few people also. Bangalore biryani. Bangalore biryani. और इतना तेज खाते, Bangalore language, it's so funny, but it's fun. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब तो थोड़ा थोड़ा बैंगलोर लैंग्वेज भी सीखने लगे हैं। हाँ, समझ में आता है खड़को वड़को क्या क्या कर, कुछ कुछ बोलते रहती है शहर, तो मैंने एक दो वर्ड सीखे, बट या आई एंजॉय बैंगलोर एंड यहाँ पे अभी हमारे तो बहुत सारे, हम हज पे थे तो वी हैड फ्यू पीपल हुआ फ्रॉम बैंगलोर, हम कल भी उनके दावत पे इनफैक्ट गए थे, तो हमारे हज के साथी भी यहाँ पे है, तो बहुत मजा आता है। सो आई थिंक दैट्स हाउ आपकी फैमिली बढ़ती है, यू नो यू कीप मीटिंग पीपल। आजकल तो बैंगलोर सनाबाजी का सेकंड होम हो गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड और बहन जैसी हूँ। बैंगलोर एक मायका जैसा हो गया सनाबाजी के लिए, जब भी आपको माइंड रिफ्रेश करना है, कुछ भी अच्छे लोगों से मिलना है या फिर आपको तिजारत भी करनी है उसके साथ साथ, तो यस एंड बैंगलोर इज ऑलवेज सो वेलकमिंग, इतना सारा प्यार मिलता है बैंगलोर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आई थिंक बैंगलोर की कितनी सारी लड़कियां मुझे भी आके मिलती हैं और एग्जीबिशन में भी मिलती हैं, जो कहती हैं कि सनाबाजी की वजह से बहुत इंस्पायर हुए हैं वो लोग, तो इट फील्स वेरी नाइस। आई थिंक बैंगलोर में एक बड़ा चेंज और ट्रेंड लेके आई है सनाबाजी विथ हर हिजाब एंड अबायाज, तो यस मैं भी बहुत खुश होती हूँ उनका कलेक्शन पहन के, एंड एवरीबडी इज हैप्पी वो देख के, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा यंग जनरेशन को ये इतना इंस्पायर करती है, इतने स्टाइलिश अबायाज जो वो बहुत खुशी खुशी पहनते हैं, तो इट इज वेरी नाइस टू हैव हर ऑलवेज।